जीत के बावजूद आज दूसरे T20 में इन नए सिरों के साथ मैदान पर उतरेगी सूर्या की सेना। दो फ्लॉप खिलाड़ियों का होगा टीम से पत्ता साफ, कोच की आंख में खटक रहे हैं दोनों। गौतम गंभीर नहीं चाहते थे इन दोनों को खिलाना, लेकिन सूर्या ने जबरदस्ती खिलाया। टीम में लौटे दो और खूंखार ऑलराउंडर, अब तो नंबर 10 तक बल्लेबाजी होगी। एक साथ खेलेंगे चार चार ऑलराउंडर। आज तो श्रीलंका की खैर नहीं, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी। किस तरीके से दोस्तों टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में जीत के बावजूद भी एक बड़ा बदलाव किया है, जहां पर दोस्तों दो दो खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है। आइए सब कुछ बताते हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों भारतीय टीम इस समय 5 मैचों की एक बहुत लंबी चौड़ी सीरीज खेलने गई है, और यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका के लिए, जहाँ पर दोस्तों 3 T20 होंगे और 3 होंगे ODI मैचेस। ऐसे में 6 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला पल्ला केले में 27 जुलाई को खेला गया। यहाँ पर दोस्तों पल्ला केले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर्स में 213 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका टीम 19.2 ओवर्स में 170 रन बनाकर ढेर हो गई, और भारतीय टीम इस मुकाबले को 43 यानी 43 रनों से जीत गई। अब टीम इंडिया पहला T20 मुकाबला तो जीत गई, लेकिन सबको पता है कि अगर सीरीज जीतना है तो दूसरा T20 मुकाबला तो जीतना ही पड़ेगा। अगर भारतीय टीम दूसरा T20 मुकाबला जीत जाएगी तो इस सीरीज में दोस्तों T20 सीरीज को अपने नाम कर लेगी। ऐसे में दोस्तों दूसरा T20 मुकाबला 28 जुलाई को पल्ला केले के मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोस्तों टीम इंडिया ने जीत के बाद भी अपनी प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए, और ये दोनों बड़े बदलाव ऐसे हुए हैं जिनके आ जाने के बाद अब टीम इंडिया में 10 नंबर तक बल्लेबाजी रहेगी। आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों को टीम ने पिक किया है। सबसे पहले दोस्तों ओपनर्स की बात करें तो यहाँ बदलाव नहीं होगा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टीम इंडिया में खेलेंगे और काफी अच्छा खेलेंगे। वहीं दोस्तों बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर आपको सूर्य कुमार यादव नजर आने वाले हैं। सूर्य ने दोस्तों पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की, कैप्टन है, लीडर है, तो टीम में बने रहेंगे। उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत भी रहेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज, जिन्होंने पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी की, और फिर दोस्तों हार्दिक पांड्या एक और मौका डिजर्व करते हैं तो उनको एक और मौका दिया भी जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर एक बड़ा बदलाव होगा, रियान पराग को टीम इंडिया ड्रॉप कर देगी, और रियान पराग की जगह पर दोस्तों टीम इंडिया यहां पर शिवम दुबे को पिक करेगी, क्योंकि अगर डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी कराकर थोड़े बहुत ओवर्स निकलवाने हैं तो रियान पराग से बेहतर ऑप्शन शिवम दुबे ही होंगे, और इसी वजह से इनको यहां पर दोस्तों इतना ऊपर बल्लेबाजी कराई जाएगी। उसके बाद दोस्तों टीम में अक्षर पटेल तो रहेंगे और हर्षदीप सिंह भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों बात करें अगले बदलाव की, तो अगला बदलाव होगा रवि बिश्नोई को लेकर। अगर बात करें दोस्तों रवि बिश्नोई की, तो रवि बिश्नोई ने दोस्तों पिछले मुकाबले में 4 ओवर्स में 37 रन खर्च किए थे, एक ही विकेट चटकाया था, और इसी वजह से दोस्तों इनको टीम इंडिया ब्रेक देगी, ड्रॉप करेगी, और इनकी जगह पर टीम इंडिया यहां पर दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर को पिक करेगी, जो कि अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आखिर में टीम इंडिया मोहम्मद सिराज को तो पिक ही करेगी, जो कि काफी धुआंधार प्लेयर है। अब आप किस पर क्या रहा है, क्या लगता है इस प्लेइंग 11 से भारतीय टीम श्रीलंका को दूसरा T20 मैच हरा पाएगी या फिर नहीं, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।